हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनिका, योर क्लास इज़ फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर टू, टॉपिक क्रिएचर, हैबिट, हैबिटेट एंड फूड। पार्ट वन मैं आपको करा चुकी हूँ, आज हम लेकर आए हैं पार्ट टू। पार्ट वन में आपको प्लांट्स के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अब प्लांट टू में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से प्लांट्स के टाइप्स थे, उनका अलग अलग कंडीशन में वो एडेप्टेशन करते हैं, और लैंड प्लांट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन हिली एरियाज, प्लांट्स इन मार्सी एरियाज, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया था, वाटर प्लांट। और अब है हमारा एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स का भी है। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो नीड स्पेशल फीचर्स और अडेप्टेशन दैट हेल्प दैम टू लिव एंड ग्रो इन देयर एनवायरमेंट। एनिमल्स आर फाउंड इन वेरी रीजन्स इन डिफरेंट हैबिटेट। मतलब प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स का भी क्या होता है, फीचर्स होते हैं उनके अडेप्टेशन करने के, और वो जहाँ पर रहते हैं जो उनको रहने में हेल्प करता है, अनुकूलन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे, उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। एनिमल्स के टाइप्स क्या हैं, लैंड एनिमल्स, नंबर टू अर्बोरियल एनिमल्स, नंबर थ्री वाटर एनिमल्स, नंबर फोर एम्फीबियन एनिमल्स, नंबर फाइव एरियल एनिमल्स, नंबर सिक्स अडेप्टेशन ऑफ प्रोटेक्शन। ये सिक्स हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है लैंड और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड एनिमल्स को टेरिस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। एज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड हैबिट्स दैट अडेप्टेशन शोज बाई एनिमल्स आल्सो वेरी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स आर ऑल टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। यानी कि जो लैंड है हमारा, उस पर हर तरीके की ज़मीन है, कहीं पहाड़ भी हैं, कहीं रेगिस्तान भी है, कहीं जंगल है बहुत सारा, कहीं बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं वो हर जगह रहते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हर जगह थे वैसे हमारे एनिमल्स भी हर जगह रहते हैं, हर जगह क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं अपने नेचर के साथ। जैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स भी नेचर के साथ सर्वाइव करते हैं। डॉग्स, कैट, टाइगर, लायन, ज़ेब्रा, चीता, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, काउ, गॉट एंड शीप आर एग्जांपल ऑफ टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जो भी मैंने बताया ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग टू मूव एंड रन। इन एनिमल्स के बहुत मजबूत पैर होते हैं जो इनको दौड़ने भागने में मदद करते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, इनके ये क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन दैट हेल्प दैम टू फूड, शेल्टर एंड आल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम अदर एनिमल्स। यानी कि इनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑर्गन होता है जिससे ये हेल्प करता है, जो इनको हेल्प करता है खाना ढूंढने में, घर ढूंढने में और दूसरे जानवरों से बचाने में, ठीक है, उनको हेल्प करता है। सम एनिमल्स सच एज स्नैक डू नॉट हैव लेग, कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नैक, स्नैक के पैर नहीं होते हैं। दे मूव बाई क्रोलिंग, यानी कि जो ये मूव करता है ये अपनी रेंगता है, यानी कि जो रेंगता है वो अपनी पसलियों से रेंगता है, इसके पैर नहीं होते। कैमल फाउंड इन डेजर्ट हैव सम स्पेशल अडेप्टेशन आर गिविन ब्लो, कैमल के कुछ अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं अडेप्टेशन करने के, तो वो क्या हैं, वो इनको नीचे इनको लिखा हुआ है। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम हॉट सैंड, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं और नीचे से क्या होता है, फैले हुए होते हैं, जो इसको गर्म मिट्टी में मतलब इसके पैर जो होते हैं वो गर्म मिट्टी में इसको गर्म नहीं लगता और इसको चलने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सिंपल अगर
रेगिस्तान में बहुत क्या होता है, डेजर्ट में बहुत सारी मिट्टी 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 होती है चारों तरफ। अगर हम अपना पैर उसमें मिट्टी में डालेंगे तो हमारा पैर नीचे को धंसता है, लेकिन जो कैमल होता है उसका पैर जो नीचे का पंजा होता है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, जो इसको मिट्टी में चलने में हेल्प करता है और इसको मिट्टी गर्म भी नहीं लगती है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर्स होता है एनिमल्स के अंदर कि इसकी जो चर्बी होती है बहुत मोटा फैट होता है, फैट इसका बहुत फैट होता है, जिससे कि जो फैट इसको बहुत दिनों तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए ये रह सकता है। ठीक है, तो जो फैट होता है वो उसको किस में हेल्प करता है, ये बहुत दिनों तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। डेजर्ट की जो ज़मीन होती है, डेजर्ट जो एरिया है वहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं जो मैंने बताया कि वो भी बिना कम पानी के हो जाते हैं, तो वैसे ही वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको जो आदत, ये कैमल जो होता है इसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत दिनों तक बिना खाए और बिना पिए रह सकता है, यू क्योंकि जो इसका फैट होता है बॉडी में वो इसको पानी की पूर्ति करता रहता है। सम स्पेशल फीचर्स हेल्प पॉपुलर पोलर बियर टू लिव इन आइसी आर्कटिक रीजन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला एरिया होता है आर्कटिक रीजन में, वहाँ पर जो पोलर बियर होता है भालू जो आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का पोलर बियर, तो वो कैसे सर्वाइव करता है उस ठंड के मौसम में। पेंगुइन भी होता है, वो भी कहाँ होता है अंटार्कटिका में होता है, तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इनके क्या होता है, बॉडी में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, हेयर होते हैं जिनको फर बोलते हैं, तो इसकी पूरी बॉडी पर कवर करे रहते हैं जो इसको गर्म रखते हैं, इसकी बॉडी को गर्म रखते हैं जो इसको उस कंडीशन में उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे ये उस ठंड को उस बर्फ़ को क्या करता है, झेल लेता है और अपने आप को उस मौसम के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। सेकेंड है पेंगुइन, सेम पेंगुइन का भी है, दे हैव थिक स्किन, इसकी बहुत मोटी स्किन होती है और इसके इसका भी इसके अंदर बहुत फैट होता है जो इसको क्या करता है, गर्म रखता है, और इसकी बॉडी पर जो क्या होता है ब्लैक कलर के दो पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, जो इसको सूरज की रोशनी में वो गर्म हो जाते हैं और उसको अंदर ही अंदर क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, जिससे उसकी उसको क्या नहीं लगती, गर्मी गर्मी लगती है, मतलब उसको ठंड नहीं लगती, जो बर्फ़ पड़ती है उससे ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्बोरियल एनिमल्स, दीज एनिमल्स स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लीव्स इन ट्रीज़, ये एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना ट्रीज़ पर निकालते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर ही रहते हैं। दे ईट स्लीप एंड प्ले इन ट्रीज़, ये वहीं पर खाते हैं, पेड़ पर ही रहते हैं, पेड़ पर ही खाते हैं, पेड़ पर ही सोते हैं और पेड़ पर ही खेलते हैं। मंकी, कोलाज, स्लोथ, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स आर अर्बोरियल, यानी कि मंकी, कोलाज, स्लोथ और रोडेंट्स जो एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट, बर्ड्स, ये हमारे सब पेड़ पर ही रहते हैं और उसी पर खाते हैं, उसी पर सो जाते हैं और उसी पर खेलते हैं, तो उनका घर यही होता है। और इनके भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं जो इनको इनकी लाइफ को क्या करते हैं, एडजस्ट करने में, एटमॉस्फेयर में हेल्प करते हैं। दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग लिम्स दैट अलाउज देम टू स्विम फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, इनके क्या होते हैं पंजे होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी में जो बड़े बड़े पंजे होते हैं और उनको हेल्प करते हैं एक ब्रांच से दूसरे शाखा पर कूदने फादने में, ठीक है, कूदने में इनको हेल्प करते हैं, लंबे लंबे पंजे होते हैं, पैरों के पंजे होते हैं जो पेड़ों को पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। कैलमंस हैव लॉन्ग टेल्स टू बैलेंस द बॉडी, कैलमंस होता है कि वो बोलते हैं गिरगिट, गिरगिट की एक बहुत लंबी पूंछ होती है जो इसको बैलेंस, इसकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। एनिमल्स हैव फ्लेक्सिबल एंगल जॉइंट दैट अलाउ फुट टू पॉइंट बैक वर्ड सो दैट द क्लॉ कैन हुक इन टू ट्री थ्री बैक, यानी कि जो एनिमल्स की फ्लैक्सीबल बॉडी होती है, जॉइंट इनके मतलब बॉडी में जॉइंट होते हैं जो इनको फ्लैक्सीबल यानी कि मोड़ने वाली चीज़, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं हम उनको फोल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर लें, मोड़ते हैं, उठाते हैं, फोल्ड करते हैं, वैसे ही एनिमल्स की बॉडी जो होती है फ्लैक्सीबल होती है, जो इनको क्या करती है पेड़ों को पकड़ने में, शाखाओं को पकड़ने में हेल्प करती हैं और इनको आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं ये पेड़ों पर।
अगर हमसे कहा जाए हम पेड़ों पर रह लें तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे हम उसको पेड़ को पकड़ेंगे तो हमें चोट लगेगी, लेकिन इनकी बॉडी उसी तरीके से होती है कि ये पेड़ों पर अडेप्टेशन अपना करते हैं। वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स आर फाउंड इन रिवर और फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द साल्टी वाटर ऑफ सी एंड ओशियन। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, नदियों में रहते हैं ना, वो उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। साल्टी वाटर यानी कि समुद्र का पानी और इसका महासागरों का पानी होता है वो नमकीन होता है, तो वो अपने आप को उसी में सर्वाइव करते हैं। स्पेशल अडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव इन सच हैबिटेट्स, यानी कि इनकी बहुत सारी आदतें होती हैं जिनसे ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश, टर्टल, व्हेल, सील, तो ये क्या है, क्या है ये एरियल, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स। इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, अलाउ वाटर टू ईजिली पास ओवर इट, जिनसे इनकी बॉडी के अंदर से वाटर क्या होता है, पास होता रहता है। और इनके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, फिश के गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती है, और टेल होती है, ठीक है, फिश गिल्स के फिन्स होते हैं इसके, फिन्स मतलब पंख होते हैं, और टेल होती है जिनसे ये स्विम करने में इसको हेल्प मिलती है। इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। फिश है पावरफुल सेंस ऑफ साइट, टच एंड टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। जो फिश होती है उसकी बहुत अच्छी पावरफुल यानी कि बहुत मजबूत सेंस ऑर्गन होता है उसके अंदर, देखती है बहुत जल्दी, उसको दिखाई दे, देखने की, छूने की, सूंघने की और टेस्ट करने की और सुनने की, इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मजबूत होती है। अब है एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन से होते हैं, जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग हो गया, स्लेमबंडर हो गया, ये कहाँ पर रहते हैं, हमारे पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, सॉरी अर्थ पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। हमारा टर्टल हो गया, ठीक है, वो कहाँ रहता है, वो भी हमारा पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, दोनों जगह ये सर्वाइव कर लेते हैं। फ्रॉग टोड्स एंड स्लम्बर्ड हैव वेब्ड हिंड लेग टू हेल्प देम स्विम, यानी कि फ्रॉग टर्टल इनके जो पंजे होते हैं पैरों के, वो इनके झिल्लीदार पंजे होते हैं जो इनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं उनके उनकी हेल्प से और पानी में भी। दे ब्रीथ थ्रो स्किन एंड लंग्स, ये अपनी स्किन से और लंग्स से सांस लेते हैं। दे ले एग इन वाटर, ये जो अपने अंडे देते हैं वो पानी के अंदर ही देते हैं। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड, इंसेक्ट एंड बैटल्स आर एग्ज़ाम्पल हो गया इसका। सम बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, यानी कि ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन हमारा उड़ नहीं सकता, लेकिन ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ता है, इसके पंख होते हैं लेकिन ये उड़ता नहीं है। दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं ये। बर्ड्स हैव स्पेशल अडेप्टेशन फॉर एरियल लाइफ, यानी कि बर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा क्या होता है, अडेप्टेशन होता है स्पेशल, जो इनका नीचे इनके फीचर्स दे रखे हैं क्या हैं, हैव लॉन्ग टेल, इनकी बहुत मतलब इनकी क्या होती है, पूँछ होती है, बहुत हल्की इनकी बॉडी होती है और बहुत हल्के इनके पंख होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं उड़ने में। इनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप होती है, यानी कि बोट की शेप की बॉडी होती है इनकी। बोन्स आर होलो फॉर लेस बॉडी वेट, इनकी बहुत कम हड्डियाँ होती हैं इनके शरीर में, और क्या होता है, लेस बॉडी वेट, यानी कि इनकी बॉडी का जो वेट होता है वो भी बहुत हल्का होता है। बर्ड हैव ब्रीक, जो चिड़ियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, उनकी चोंच होती है जिनसे वो अपना खाना उना खाते हैं। एडेप्टेशन टू हार्श वेदर कंडीशन, अब होता है कि हार्श वेदर यानी कि कठोर वेदर जो होता है उसमें कैसे वो एनिमल सर्वाइव करते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, हर्बिनेशन और माइग्रेशन। हर्बिनेशन वो होते हैं मींस विंटर स्लीप, हर्बिनेशन वो होता है कि यानी कि एक सीज़न के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बियर, फ्रॉग,
स्नैक, लिजर्ड, स्लीप ड्यूरिंग विंटर मंथ, यानी कि जो ये जो एनिमल्स होते हैं ये विंटर ठंडों में सोते हैं, ठंड का जितना भी महीना होता है उन महीनों में ये सोते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। स्लीपिंग एनिमल्स डू नॉट नीड टू ईट, जो सोने वाले एनिमल्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक ही सीज़न में अपना खाने का जो पूरा होता है जो वो अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये एक सीज़न के लिए ही बाहर आते हैं, उसके बाद ही अपने घर में छिप जाते हैं। कौन कौन से? बियर, फ्रॉग, स्नैक, लिजर्ड, ठीक है, ये विंटर सीज़न में सोते हैं। माइग्रेशन वो होते हैं जो एनिमल्स, अगर हमारे यहाँ ठंड हो रही है तो ज़्यादा ठंड हो रही है तो ठंड वाले एरिया को छोड़ के गर्मी की जगह चले जाते हैं, और अगर जहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है उस एरिया को छोड़ के ठंड वाली जगह में आ जाते हैं, यानी कि अपना स्थान चेंज कर देते हैं। तो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। इज़ वैन एनिमल्स लीव द हैबिटेट फॉर अनदर वन दैट हैज़ बेटर क्लाइमेट कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि ये एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी जगह को छोड़ देते हैं अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जिस जिस के अकॉर्डिंग वेदर होता है उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, ज़्यादा ठंड वाली जगह को छोड़ के गर्मी वाली जगह में चले जाते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये ठंड वाली जगह पर वापस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम बर्ड्स फ्लाई टू अ वार्म स्पॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़्यादातर चिड़ियाँ होती हैं वो ऐसी करती हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग विंटर, यानी कि गर्मी वाली जगह को छोड़कर ठंड में आ जाती हैं।